श्री विष्णु पुराण 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुद गण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, सहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र धीरमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलुम और परम प्राकर्मी विप्रचिति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुईं। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलुम और कालकई कहलाए। इसके सिवा विप्रचीति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत सी महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुचि, एलबल, खस्रम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका, ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलुक एवं उलुकों के प्रति पक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शयन अर्थात बाज, भासी से भास और गृध्रिका से गृध्रु का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षी गण और सुग्रीवी से अश्व, उष्ट्र और गर्दभु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण, ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशाल काय थे। और क्रदु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशव्रती थे। उनमें से शेष वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, कर्कोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवश गण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी डाड़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षी गण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। हे ब्रह्मन, यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्त मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें भगवान ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे,
उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उन्हें वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उन्होंने इंद्र के वध करने में समर्थ एक तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दीति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उनसे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए आ गए। उनके शौचादि में कभी कोई अंतर पड़े यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दीति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उन्हें घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उनकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7-7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मां रो देही मत रो, इसीलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।